दुरूद शरीफ पढ़ लें। कल मैंने कहा था ऑटम 18 अगर आप डिस्कस करना चाहें तो देखें दोबारा। अच्छा नहीं करना चाहते, चलें बात खत्म, आगे चलते हैं। क्या करना है? अच्छा वो हाँ, एक और बात बड़ी ज़रूरी, ध्यान से सुने। ये जो मैंने इन्वेंट्री मैनेजमेंट और वो कॉस्ट फ्लो और जॉब ऑर्डर, इस पे ना पीछे तकरीबन जब से मैंने ये बात की थी आज पे जाने की, मेरे हाथ में मई में शायद जून स्टार्ट पे, तब से दो तीन वैरायटियों में बात हुई थी तो उससे शायद कन्फ्यूजन मच गई हो। शुरू में मैंने ये बात की थी कि मैं यूट्यूब पर डलवाऊँगा और मैंने ऑनलाइन वालों को उसमें ये बात की थी कि नए रिकॉर्डेड आपके लेक्चर में आएंगे, फिर चेंजेस होती नहीं, फिर आपको पोर्टल मिल गया। आखिरी दिनों में शायद मैंने ये बात की थी कि आप ना अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करके इन लेक्चर्स को सुनना, और मैं अगर दोबारा भी पढ़ाता तो ऐसा ही पढ़ाता, वही सिलेबस वही चीज़ें ऐसे ही पढ़ानी थी, तो ये सब उतना ही वैसे ही पढ़ाना था दोबारा। तो मैंने आपसे कहा था कि आप ना इन 12-15-20 दिनों को अच्छा यूटिलाइज करें और ये लेक्चर्स ध्यान से सुनने की कोशिश करें। अगर वाकई जेन्युइनली लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि सर ये आप दोबारा पढ़ा दें तो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन आपका वक्त ज़ाया होगा, इसलिए बेहतर है कि आप इसको ध्यान से सुने, आ जाएगी समझ। तो जिन्होंने वाकई ही ध्यान से सुना है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया या नहीं हुआ? हो गया। कॉस्ट फ्लो जॉब ऑर्डर हो गया। कल एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि आपने कहा था बेशक अभी इन 12 दिनों में पिछला रिवाइज कर लो, मैं वापस आके दोबारा पढ़ा दूंगा, तो वो ना इसलिए कन्फ्यूजन मच गई क्योंकि ये दो तीन दफ़ा डिफरेंट तरीकों से बात हुई। शुरू में मुझे लगता था यूट्यूब वाला बेहतर है, फिर पोर्टल मिल गया, फिर तो अब मेरा जाने से पहले ये स्टांस था, अभी भी यही कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने वाकई नीयत से उन लेक्चर्स को सुना है वो वाकई हो गए हैं टॉपिक। हाँ एक लेक्चर मैंने ज़रूर कहा है क्योंकि रिसेंट अटैम्प्ट का जो प्रोबेबिलिटी वाला सवाल टेस्ट हुआ है, मैंने उसका सोल्यूशन अपने फॉर्मेट पर आपसे शेयर किया हुआ है। आई कैप के सोल्यूशन में एक डिफरेंट काम हुआ है, मैं वो भी आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन अभी आप में से कई उन्होंने लेक्चर भी नहीं लिए होने, वो इसलिए मैंने उसको एंड पे कहा है। तो अगर आप अपने लिए संजीदगी से फैसला करें तो वो टॉपिक हो गया है। जिन्होंने अभी तक लेक्चर नहीं लिए कि शायद सर दोबारा पढ़ाएंगे, तो दोबारा पढ़ाने में नुकसान आपका है अब कि और टाइम लग रहा होगा, तो इसलिए जिन्होंने अभी नहीं लिए थे वो अब लेक्चर ले लीजिए। लेकिन अगर आप सिंसेरिटी वो लेक्चर सुनेंगे तो बेटा हो गया वो टॉपिक पूरा, तो वो टॉपिक हो गए कवर्ड। तो अब मैंने आपको ये जो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग पढ़ा रहा हूँ, CVP और वो जो एक एक दिन के दो टॉपिक मैंने कहे थे, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और टारगेट कॉस्टिंग, ये रहता है हमारा। और आज एक्स्ट्रा क्लास है, और एक्स्ट्रा क्लास जो है वो 4 बजे, क्योंकि इससे पहले रूम अवेलेबल नहीं है, और वो मैं इंशाल्लाह कल भी मैंने 8 बजे कर दिया था अपलोड, तो वो मैं पोर्टल पर कर दूंगा अपलोड। अब वो चूँकि कंटिन्यूटी में है तो वो सुनेंगे तो कल सुबह आएंगे, तो वो सुन लेना रात में, मैं 8 बजे तक उम्मीदें कर दूंगा। तो जिन्होंने आना हो 4 बजे है इधर room 2 में। नहीं नहीं अब कौन सी यूट्यूब यार, यार उनको मना भी किया था पर वो ऐसे ही जीने। 89 है पोर्टल पे, नहीं वो मैं ही रखता था, वो लोग तो अपलोड कर देते थे, वो मैं ही रखता था, मैंने अब खत्म कर दिया वो गैप। कल जो शाम को यहाँ से एक्स्ट्रा क्लास रिकॉर्ड कराई है मैंने, वो कर दिया था अवेलेबल रात को ही, तो पोर्टल पे ही हो जाएगा अपलोड है जी, वो मैंने कल रात को कर दिया था।
दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी, क्योंकि इन दोनों का अलग अलग ग्रिड है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन पहले ग्रिड में है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट लास्ट ग्रिड में है। हाँ, पर लेक्चर ये नहीं है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के, डिफरेंट है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, कोई लिंक नहीं आपस में, वर्ड इन्वेंट्री है वरना कोई लिंक नहीं आपस में, टोटली डिफरेंट है। अच्छा जी, ऑटम 18 क्वेश्चन नंबर 6 अगर किसी ने किया है तो मैंने इसको डिस्कस तो करके ही होमवर्क दिया था, फिर भी आप किसी ने पूछना है आगे चलूं? पूछना है, किसने पूछना है? एक, बाकी ने क्यों नहीं पूछना, करना था तो पूछना था। चले, ऑनलाइन वालों में से हो सकता है, मैं कोई उसका रिव्यू दे ही देता हूं। चलिए, जिन्होंने भी किया है एक रिव्यू में कर देता हूँ, ऑनलाइन वालों को भी हो सकता है मसला। एक ऑर्डर मिला था B1 एक्स्ट्रा के 10,000 यूनिट्स बनाने थे, और B1 एक्स्ट्रा बनाने के दो रास्ते थे, या तो मटेरियल एक्स यूज कर लें या फिर मटेरियल वाई यूज कर लें, और अकलमंदी ये है कि कौन सा यूज करें जो सस्ता पड़ेगा। तो इसमें आईकेप के सोल्यूशन भी ठीक है, उसमें इन्होंने पर यूनिट ही का कंपेरिजन किया हुआ है। मैंने सिर्फ टोटल से इसलिए किया था कि पर यूनिट कंपैरिजन करने में बच्चे आइडल आर्स को मुश्किल से हैंडल कर पा रहे थे, मैंने इसलिए इसको टोटल की बेस पे सॉल्व किया। कैसे किया? मैंने मटेरियल एक्स को एक ऑप्शन लिया, मटेरियल वाई को एक ऑप्शन लिया, और दोनों में से जो सस्ती है उसको कंसिडर कर लिया। मटेरियल एक्स के जरिए लेंगे तो एक यूनिट के लिए 2 किलो एक्स चाहिए, 500 रुपये का मिलता है, तो 10,000 यूनिट्स इंटू 2 किलो इंटू 520 रुपये। लेबर के लिए एक B1 एक्स्ट्रा बनाने के लिए 1.5 घंटे चाहिए, तो टोटल 15,000 घंटे चाहिए। लेबर के अवेलेबल है फारिग 14,000 घंटे, उन फारिग घंटों में बिठा के हमने आधे पैसे तो उनको वैसे भी देने थे, तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या हुई? बाकी आधे। तो इन 14,000 पे 250 का आधा घंटा 50% लगेगा, और जो इन 14 के अलावा होंगे उस पे ये वाला रेट लगेगा। और वेरिएबल ओवरहेड्स, ये मैंने आपको अभी हाइलो मेथड नहीं पढ़ाया, तो मैंने आपको पॉइंट नंबर 4 का रिजल्ट बताया था कि वेरिएबल ओएआर 220 रुपए पर आ रहे, तो ये 220 इंटू वही लेबर आर्स कर लिए। और अगर हम वाई के जरिए चलते हैं तो एक तो 2.5 किलो वाई लगेगा, दूसरा 2 लेबर के ऊपर भी दो तरह के काम होंगे, एक B1 बनाने के 1.5 घंटा तो है ही है, Y बनाने का भी आधा घंटा है, तो ये दो तरह की लेबर काम कर रही होगी। तो Y ऑप्शन के जरिए जाने से टोटल इतने आर्स लगेंगे, और इनमें से वही 14,000 पे 250 का आधा, 13,500 पे ओवर टाइम वाला रेट। अब बताइए इसमें क्या पूछना है? ऐसे ही होगा, अच्छा चलो ठीक है, फिर दोनों का टोटल तो गलत हो जाएगा? नहीं, गलत कैसे हो जाएगा? हाँ, Y और B1 दोनों साथ साथ बन रहे हैं, ठीक है, तो ठीक है ना, टोटल इतने आर्स लगेंगे तो मसला क्या है, इसमें इतराज क्या है? Y बनाने पे इतने आर्स लगेंगे, और उस Y से B1 बनाने पे अलग लेबर काम करेगी, वो भी काम होगा। देखो, B1 बनने में भी काम लगना है टाइम, Y बनने में भी टाइम लगना है, तो ऐड ही होंगे दोनों। और रिक्वायरमेंट जो इसकी असल रिक्वायरमेंट थी, कॉस्ट
रेलिवेंट कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना एंड कॉस्ट गैप कैलकुलेट करना, ये नहीं कहा था आपको, सिर्फ रेलिवेंट कॉस्ट पर यूनिट कहा था। तो वो ये है 1580, कॉस्ट गैप नहीं पढ़ाया अभी, वो सीवीपी टारगेट कॉस्टिंग में पढ़ाऊंगा। और ऑटम 18 में बताएं कुछ पूछना है। अच्छा, कल वाले की और प्रैक्टिस करते हैं, उससे पहले एक छोटा सा रीकैप दे देता हूं। कल हमने ये पढ़ना शुरू किया था कि बिजनेस के पास प्रोडक्शन करने के लिए उसको रिसोर्सेस चाहिए, लेबर, मटेरियल और मशीनें, और इसको क्वांटिफाई करने के लिए मटेरियल की क्वांटिटी चाहिए, लेबर के आर्स चाहिए और मशीनों के भी आर्स चाहिए। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। वो बिजनेस जो एक ही प्रोडक्ट बनाता है और जितनी डिमांड है उतनी नहीं बना सकेगा, तो बस जितनी बना सकेगा उतनी बना लेगा, तो ये कोई सवाल पूछने वाली बात ही नहीं है। सवाल पूछने वाली बात तब है कि अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, सारे ही अच्छे हैं, सारे बनाना चाहते हैं, लेकिन कॉमन रिसोर्सेज शॉर्टेज होने की वजह से सारे नहीं बना सकेंगे, तो उनमें फिर हमें प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, प्रेफर करना पड़ेगा कि किस प्रोडक्ट को पहले बनाएं, फिर टाइम बचे तो बाकी बना लें, फिर मौका बचे तो बाकी बना लें। ये कॉन्सेप्ट है जो कलम पढ़ रहे थे। तरीका क्या था? तरीका ये था कि हम सब प्रोडक्ट्स की कंट्रीब्यूशन निकालें। कंट्रीब्यूशन क्यों, प्रॉफिट क्यों नहीं? क्योंकि उसी फैक्ट्री में सब ने बनना है, तो फिक्स तो होने ही होने, इसलिए सिर्फ वेरिएबल खर्चे और सेल प्राइस यानी कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बेस पे कंपेयर नहीं करना, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। इसकी भी वजह दोबारा बताता हूं। अगर हमारे पास कुछ चॉइसेस हो ना और हमने उनमें से किसी को चूज करना हो, तो फिर यह देखना पड़ता है कि हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से चूज करना चाह रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप सिलेबस कवर कर रहे हैं और काफी सारी चीजें अभी रहती हैं, टाइम कम है, सारा हो नहीं सकेगा, तो आप किस, मैं फिर बता रहा हूं, टाइम कम है, टाइम, और सारे टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, कौन सा टॉपिक रिवाइज कर लेंगे? सब बराबर इंपॉर्टेंट है। जिसमें मैं सवाल दोबारा कर रहा हूं, आपके पास सिलेबस कवरेज का टाइम थोड़ा रह गया है, आइटम्स अभी ज्यादा कवर करने वाली हैं, जितने टॉपिक रह गए हैं वो सारे ही बराबर इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सब नहीं कर सकते, कौन से कवाले को हाथ डालें अभी जिसमें टाइम कम लगे? क्यों, टाइम को क्यों सोचा? क्योंकि मसला ही टाइम का पड़ा हुआ था, तो हम टाइम को सामने रखते हुए ऑप्शंस को चूज कर रहे थे। इसी तरह से अगर आपने कहीं सफर करना है, घर जाना है, कहीं और जाना है, और उसके लिए आपको सामान लेके जाना है, लेकिन सामान ले जाने की एक लिमिट है, आपको एक 25 किलो का बैग जहाज में ले जाना अलाउड है। अब आपके जो जो सामान जरूरी थे सारे जरूरी, लेकिन सारा आ नहीं सकता सामान, अब उनमें से चूज करना पड़ेगा। अब किस एतबार से चूज करेंगे? वजन जिसका कम होगा, क्योंकि मसला ही वजन का है, तो हमें जिस चीज का मसला होगा उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। तो अगर शॉर्टेज लेबर आर्ट्स की है, तो हमने फिर सारे प्रोडक्ट्स को लेबर आर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर निकाल के। अगर शॉर्टेज मशीन आर्ट्स की होती, तो फिर हम सारे प्रोडक्ट्स को मशीन आर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते, इसलिए कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर निकालते। ये है कल वाले जो भी हमने किया था उसकी लॉजिकल बात, रीजन। कल जो सवाल सॉल्व किया था उसमें आप लोगों की शक्लों से मुझे अंदाजा हो रहा था कि कुछ फिगर्स पे आप परेशान हो गए थे कि हम क्या कर रहे हैं, उसकी समरी दोबारा बताता हूँ। कल हमने उन तीनों प्रोडक्ट्स का ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनाना था, उसके लिए तीनों की हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की फिगर निकालनी थी, सेल प्राइस दी हुई थी, मटेरियल रेट किलो का दिया हुआ था, तो उसके लिए हम किलो से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेट लगाएंगे, तो इसलिए हमने वही वाला काम किया था जो पिछले 3-4 दिनों से कर रहे हैं। जो एक पेंटागॉन बनता है वो 6 किलो वजन का होता है, मटेरियल इनपुट है, मटेरियल कॉस्ट इनकर होना, तो हमें यहां से मटेरियल के इनपुट के किलो निकालने पड़े थे, इसलिए 6 किलो को डिवाइडेड बाय 0.9 किया था, फिर इसको 250 रुपए से मल्टीप्लाई किया था। इसी तरह से तीनों प्रोडक्ट के साथ ये काम किया था। फिर जो लेबर था उसमें टाइम तो दिया हुआ था ऊपर टेबल के अंदर, वेज रेट नहीं था, तो वो जो टेबल के नीचे सेंटेंस था, ये और सवालों में भी ना अक्सर चीज टेस्ट हुई है कि वेज रेट निकालने के लिए लिखा मिलता है कि ऑन एन एवरेज एक बंदा इतने घंटे काम करता है और इतने पैसे ले जाता है, तो ये पहली होती है वेज रेट निकालने के लिए, तो उस तरह से वो वेज रेट 75 रुपए निकाला था। और फिर कंट्रीब्यूशन के लिए वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट चाहिए था, तो टोटल से फिक्स्ड माइनस करके बाकी वेरिएबल रह गया था। कल वाले सवाल को मैंने आपसे कहा था दोबारा करिएगा, किसी ने किया हो और कुछ पूछना हो तो पूछें, ठीक है? चलें, अब और सवाल लिखें। इस सवाल से मैं क्या सिखाने लगा हूं वो आप सवाल करेंगे तो फिर पता चलेगा।
दो प्रोडक्ट्स हैं ए और बी, उनकी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। मंथली डिमांड ए के 3000 यूनिट्स और बी के 4000 यूनिट्स। दो प्रोडक्ट्स हैं ए और बी, मंथली डिमांड बताई है मैंने ए की 3000 यूनिट्स और बी की 4000 यूनिट्स। मशीन आर्स पर यूनिट 5 और 3। मटेरियल पर यूनिट 4 kg और 5 kg। बस ये ए और बी की इंफॉर्मेशन यही थी। अब उसके बाद लिखें टोटल मशीन आवर्स अवेलेबल फॉर द मंथ। टोटल मटेरियल सप्लाई अवेलेबल फॉर द मंथ 32,500 kg, 32,500 किलो। अच्छा, अब सवाल की शक्ल जिस तरह की है, बज़ाहिर मटेरियल भी लिमिटेड लग रहा है और मशीन आर्स भी लिमिटेड लग रहे हैं, क्योंकि कल जो सवाल किया था दो, इनफैक्ट तो उन दोनों में जो लिमिटिंग था वो बताया हुआ था, तो इसमें तो दो बज़ाहिर लिमिटिंग लग रहे हैं, लेकिन धोखे में नहीं आना और चेक करना है कि क्या वाकई लिमिटिंग है या शोषा ही है। कैसे चेक करें? जो टोटल डिमांड है देख लेते हैं कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए, देखिए देखें कितना मटेरियल चाहिए और कितने मशीन आर्स चाहिए। अगर हमने पूरी डिमांड करनी हो तो हमें मशीन आर्स कितने चाहिए? 27,000 चाहिए होंगे। देखें ए की ना 3000 यूनिट्स की डिमांड है और आर्स उस पर 5 रखते हैं तो 15,000 हो गए, और बी के 4000 यूनिट्स बनाने हैं और 12,000 अवेलेबल हैं, तो 27,000 आर्स चाहिए और अवेलेबल कितने? 25। ये है लिमिटिंग। मटेरियल कितना चाहिए? 32,000, जबकि 32,500 अवेलेबल है, तो मटेरियल का रोला ही नहीं है। तो अगर सवाल में आपको बज़ाहिर एक से ज्यादा फैक्टर्स लिमिटेड लग रहे हों तो आप उनकी रिक्वायरमेंट से कंपेयर करके चेक करेंगे कि वाकई लिमिटिंग है या एमी रमेबाजी है। ये बात दोबारा, और ये बात फिर आप लिख लें अपने अल्फाज में कि अगर एक से ज्यादा फैक्टर्स सवाल में बज़ाहिर लिमिटेड लग रहे हैं तो आप उनकी टोटल रिक्वायरमेंट को कंपेयर करके चेक करेंगे जैसे सवाल में किया, और फिर पहचानेंगे कि असली वाला लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है। अल्फाज याद करके लिखते हैं ना तो फिर मुश्किल हो। असली के बाद क्या बताया था? वाला बताया था। के बाद क्या था? अगर सवाल में एक से ज्यादा फैक्टर्स बज़ाहिर लिमिटेड लग रहे हैं तो आप उनकी टोटल रिक्वायरमेंट को अवेलेबिलिटी से कंपेयर करके चेक करेंगे जैसे इस सवाल में किया है।
जी लिखा। चलें अब एक और बात लिखवाता हूँ, और वो भी एक सवाल से सिखा के लिखवाता हूँ। सवाल लिखें हैं, इसका क्या करना है? ये जो सवाल लिखा है इसका करना क्या था? इसका करना था कि इसमें लिमिटिंग फैक्टर बताना था कौन सा है। इस सवाल की रिक्वायरमेंट थी कि लिमिटिंग फैक्टर ढूंढने कौन सा है। ये जो भी सवाल लिखवाया ना, इसकी रिक्वायरमेंट थी कि लिमिटिंग फैक्टर ढूंढें क्या है। तो वो कैसे ढूंढा? डिमांड के मुताबिक देखना है टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है और टोटल अवेलेबल कितना है, तो उनको कंपेयर करके पता चल गया। तो इस सवाल का सलूशन ये निकला कि मटेरियल नहीं है लिमिटिंग फैक्टर, मशीन आर्ड है। अच्छा, अब एक और चीज़ सिखाता हूँ, वो पहले सवाल से सिखाता हूँ फिर उसका भी एक कंक्लूजन बना देता हूँ। लिखिए सवाल। तीन प्रोडक्ट्स हैं एबीसी, मंथली डिमांड ए के 4000 यूनिट्स, 5000 यूनिट्स और 2000 यूनिट्स। ए 4000, बी 5000 और सी 2000। 4000, 5000, 2000। प्रॉफिट पर यूनिट 15, 20, 25, 15, 20 और 25। फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट 3, 4, 4, 3 रुपए, 4 रुपए, 4 रुपए। लेबर आवर्स पर यूनिट 4, फिर 4 और 5। 4 घंटे 4 घंटे और 5 घंटे। टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल फॉर द मंथ। ट्वेंटी फोर थाउजेंड। टोटल 24,000 लेबर आवर्स अवेलेबल है, 24,000। A customer's order of 500 units of A, यानी एक कस्टमर का ऑर्डर है 500 यूनिट्स ए के, यानी एक कस्टमर ने हमें 500 यूनिट्स कहे थे और उसको हमने कंफर्म कर दिया हुआ है। दिस क्वांटिटी इज इंक्लूडेड, ये जो 500 यूनिट्स हैं, दिस क्वांटिटी इज इंक्लूडेड इन अबव मार्केट डिमांड। वो जो ऊपर आपको 4000 यूनिट्स बताए ना, तो ये 500 उसमें हैं। मुझसे रिक्वायर्ड है ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान।
सेल प्राइस तो है नहीं, कंट्रीब्यूशन कैसे निकाले? प्रॉफिट से वापस चल लेते हैं। प्रॉफिट कितना है? 15, 20, 25। फिक्स्ड इसमें ऐड बैक कर दें तो कंट्रीब्यूशन तक आ जाएंगे। 3, 4, 4 कंट्रीब्यूशन बन गया 18, 24, 29। ये हो गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। लेबर के आर्स चाहिए 4, 4 और 5 और कंट्रीब्यूशन पर आर बन गया 4.5, 6, 5.8। हाँ जी, फर्स्ट अच्छा, मैंने इन्वेंट्री मैनेजमेंट जिसने भी पूरे लेक्चर लिए हैं ध्यान से, कोई ऐसा तो नहीं कि सवाल दिया हो और वो डिस्कस ना किया हो? लास्ट चैप्टर में क्या कौन सा है वो? खुद लिखवाया था। हाँ अच्छा, उसका आंसर नहीं शेयर हुआ ना? हाँ मतलब आंसर मैच करना। अच्छा अच्छा, बस बाकी तो मैंने सारे डिस्कस किए हैं ना। अच्छा मैं उसका आंसर बता देता हूं अभी, फिर वो निकल जाएगी बाद दिमाग से। उसका आंसर लिख लें ताकि आप टैली कर सकें। हैं? इन्वेंट्री मैनेजमेंट के आखिरी लेक्चर में मैंने एक सवाल लिखवाया था, मुझे पहले उसका डाटा कंफर्म कर दें फिर मैं आपको उसका आंसर कंफर्म कर देता हूं। अगर नोटेड है किसी के पास अभी बताइए डाटा। एनुअल डिमांड, अच्छा चलो एक बता दे, 36 और आगे 100 पर डे ठीक है, ओक्यू 6000 ठीक है, और ठीक है 25 ठीक है, और हाँ कितना कितना 10.6 और ठीक है, और पूछा था कि सेफ्टी स्टॉक एक दिन का बेहतर है कि 3 दिन का, ठीक है। इसका आंसर है अगर है
क्या हो गया? प्रोजेक्टर पे क्या दिखा दूं यार, वो सवाल तो सारा वही है ना जो लिखाया हुआ है। वो सर मैंने बस वो अंदर अंदर फार्मूले लगाए हैं सर, दिखा भी दूंगा तो आपको फिगर ही नजर आएंगी। बस अगर सेफ्टी स्टॉक एक दिन का हो यानी 100 यूनिट्स, तो होल्डिंग कॉस्ट बन रही है 2500 रुपये और स्टॉक आउट कॉस्ट आ रही है 10560। दिखाई देता हूँ आरओएल निकलेगा कैसे? एवरेज डिमांड इनटू एवरेज लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक, तो एवरेज डिमांड इनटू एवरेज लीड टाइम बनता है 1200। जिन्होंने किया है सॉल्व 1200, उसमें सेफ्टी स्टॉक ऐड कर लेंगे तो 100, ये आरओएल आ गया 1300। और एक डिमांड टोटल ड्यूरिंग लीड टाइम है 1000 यूनिट्स, एक है 1500, तो इस पर स्टॉक आउट नहीं है, इस पर है। और इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है, तो 200 × 0.480, तो इसकी स्टॉक आउट कॉस्ट बन गई। स्टॉक आउट कॉस्ट होती है कंट्रीब्यूशन लॉस्ट, तो वो थी 100 रुपये माइनस 78 रुपये, 22 रुपये। तो 22 रुपये इंटू एवरेज स्टॉक आउट इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स, वो बनती है ये। तो स्टॉक आउट कॉस्ट का ये आंसर है, और इन दोनों को ऐड कर लें तो ये आंसर है। और अगर 3 दिन का सेफ्टी स्टॉक रखना हो तो स्टॉक आउट कोई नहीं है, होल्डिंग कॉस्ट ये है। तो जिन्होंने किया है ये आंसर है, सही है, ठीक है जी। एवरेज डिमांड इनटू एवरेज लीड टाइम 1200 है, उसमें प्लस सेफ्टी स्टॉक करेंगे तो आरओएल बनेगा। ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान, स्टार्ट होगा कितने कितने टोटल आर्स अवेलेबल हैं? 24,000। अब इस सवाल में कल से क्या डिफरेंट है? 500 यूनिट्स का एक ऑर्डर हम ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके, यानी अब हमने वो कमिट कर लिया है। तो जब हम कर रहे हैं ना रैंकिंग, तो इसका मतलब है कि हमारी मर्जी के पहले ये बनाए ये बनाए ये बनाए, लेकिन 500 यूनिट्स मर्जी से बात निकल गई बात, अब वो हमारी मर्जी पे नहीं है, वो तो करने ही करने। तो अगर हमने कोई कमिटमेंट कर ली हो, वो इस शक्ल में भी हो सकती है कि किसी कस्टमर का ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया हो, और वो हमारी कोई इंटरनल पॉलिसी भी हो सकती है कि तीनों प्रोडक्ट्स के 200 यूनिट्स तो बनाने ही बनाने। दोबारा सुनिए, अगर हमने कोई प्रोडक्शन की कमिटमेंट कर ली हुई है, वो कस्टमर का ऑर्डर एक्सेप्ट करने पे भी हो सकती है, और हमारा इंटरनल डिसीजन भी हो सकता है। अगर हमने कोई प्रोडक्शन की कमिटमेंट कर ली है तो वो पहले होगा, उसके बाद फिर रैंकिंग के ऊपर आएगी बात।
क्योंकि रैंकिंग का मतलब है कि हमारी मर्जी चलेगी, तो जिस चीज पे हमारी मर्जी ही नहीं चलनी उसको फिर हम रैंकिंग से पहले बनाएंगे। तो अब इस सवाल में हमारी मर्जी से पहले 500 यूनिट्स बनेंगे, तो इस टेबल के अंदर पहले कमिटमेंट वाली प्रोडक्शन आएगी। क्या है कमिटमेंट वाली प्रोडक्शन? ए के 500 यूनिट। अब इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि ए की रैंकिंग फारिग है, चूंकि वादा कर चुके हैं इसलिए पहले हमें यह कमिटमेंट पूरी करनी पड़ेगी। कितने आर्स खा जाएंगे ये 500 यूनिट्स? 2000, बाकियों के लिए रह जाएंगे 22। अब बाकी कल जैसा सवाल होगा। अब रैंकिंग बेस्ड बात आगे चलेगी। अब पहला नंबर बी का 5000, 20,000, बाकी रह जाएंगे 2000, और इस 2000 में सी कितने बना सकेंगे? 400। ये है इस सवाल में एक नई चीज। तो इसका कंक्लूजन ये लिख लें कि अगर कोई कमिटमेंट है प्रोडक्शन की तो पहले वो कमिटमेंट पूरी होगी, फिर उसके बाद रैंकिंग के मुताबिक प्रोडक्शन होगी। अगर किसी प्रोडक्ट के कुछ यूनिट्स की कमिटमेंट हो चुकी है ऑलरेडी, तो पहले वो कमिटमेंट पूरी होगी, उसके बाद फिर रैंकिंग के मुताबिक प्रोडक्शन होगी। हाँ जी, नोटेड। सितंबर 2016, क्वेश्चन नंबर 6। ऑटम 2016, क्वेश्चन नंबर 6। गैलेक्सी इंजीनियर्स। क्वेश्चन 6। अच्छा, इसमें ये एक मेक और बाय एक चीज़ टेस्ट हुई थी, वो मैंने आपको चूंकि पढ़ाना है इसलिए भी मैं आपको खुद ही बता देता हूँ। कॉलम सी देखें, इसमें सेल प्राइस नहीं दी हुई, प्रोडक्ट सी वाला कॉलम टेबल में तीसरी लाइन, सेल प्राइस नहीं है। आप इसकी जगह, वजह बताऊंगा इसकी मेक और बाय में, अभी बस मैं कह रहा हूँ, इसमें आप ना ये जो नीचे सबसे एंड पे 3000 रुपये लिखी हुई है इसको यूज़ कर लेना। क्यों करूंगा इसकी रीजन बताऊंगा मेक और बाय पढ़ाते हुए। अभी बस आप समझें कि ये जो सी है इसकी सेल प्राइस 3000। अच्छा, 10 मिनट बहुत है इसका टारगेट रखिए आप, और ये आप अभी करें, बहुत है 10 मिनट इसका टारगेट रख के करें तो फिर ये सवाल आप अभी सॉल्व कर रहे हैं।
सितंबर 16 क्वेश्चन नंबर 6 गैलेक्सी इंजीनियर्स प्रोडक्ट सी की मैंने कहा है सेल प्राइस 3000 रुपए रख लें, जो सवाल का लास्ट सेंटेंस लिखा है, इसकी रीजन मेक और बाय पढ़ाते हुए बताऊंगा। जी, क्योंकि ये जो मटेरियल XPI है और जो अदर मटेरियल है दोनों डायरेक्ट मटेरियल ही है, क्योंकि अगर इनडायरेक्ट होता ना तो वो ओवरहेड में कवर होता।
हाँ जी 10 मिनट हो गए। हाँ जी डन। सेल प्राइस पर यूनिट दी हुई है, लेकिन कल वाले सवाल की तरह 14 किलो लिखा हुआ है, मटेरियल एक्स पी आई, और ब्रैकेट में 500 रुपये किलो है, तो उसको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट बनेगी। सेल प्राइस 20,000, 14,100, 3,000, मटेरियल एक्स पी आई वाला। ये जो सामने टेबल में लिखा हुआ है ये रुपए नहीं है, ये केजीज हैं। तो 14 किलो है, उसको इनटू रुपीज 500 पर केजी करेंगे तो ये मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट बनेगी 7,000, 6,000, 1,000 रुपीज पर केजी, रुपीज पर यूनिट, केजी पर यूनिट, इन चीजों का ख्याल रखा करें। 7,000 रुपए पर यूनिट है। इसी तरह अदर मटेरियल के भी किलोज बताए हुए हैं और रेट पर किलो ब्रैकेट में बताया हुआ है, तो वो मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीस पर यूनिट बनेगा कितना, 1,500, 900, 300। इसी तरह से लेबर है, उसके आर्स बताए हुए हैं, 100 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीस पर यूनिट बनेगा 500। वेरिएबल 80% ऑफ इसी का 1,600, 1,200, 400। यही इसमें एक पॉइंट था जिसमें गलती की हो शायद, और फिक्स्ड ओवरहेड इग्नोर, ये कंट्रीब्यूशन निकल आएगी। लिमिटिंग फैक्टर क्या है, तो हमें फिर कंट्रीब्यूशन पर केजी निकालना पड़ेगा। एक्सपीआई इसके लिए चाहिए 14 किलो, कंट्रीब्यूशन पर केजी चाहिए 0.375। इसमें बताइए जिनको मुश्किल परेशानी है। रैंकिंग बन गई इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3। अच्छा, अभी जो मैंने इससे पहले खुद यहां तक बताया पूछना, जो अभी इससे पहले जो मैंने सवाल लिखवाया था उस पे आइए, जो मैंने भी लिखवाया था सवाल, सवाल की वर्डिंग पे।
जो मैंने इसमें ए के 500 यूनिट्स का ऑर्डर बोला था, अगर वो ए नहीं बी का मैंने कहा होता, तो वो जो मैंने लास्ट सेंटेंस लिखवाया उसका क्या इंपैक्ट पड़ता? मैंने लास्ट सेंटेंस लिखवाया था कि जो 500 यूनिट्स का ऑर्डर है ये ऊपर वाली डिमांड में शामिल है, तो अगर ये ऑर्डर कमिटमेंट वाला ए नहीं बी का होता तो ये बी के 500 लिखते, फिर यहां बी के 45 लिखते। पता नहीं है ना हमें, वो तो सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा, क्या पता बी ही पूरा ना बनना होता। तो इसलिए पहले ही ना 5000 लिख लें, आप कमिटमेंट वाले को अलग लिखें, बाकियों को रैंकिंग में अलग लिखें। मैंने ये बात की है कि जो सवाल मैंने लिखवाया है इसके आखिरी सेंटेंस की सिग्निफिकेंस ये थी कि जो ऊपर कमिटमेंट में लिखी है वो क्वांटिटी इस मार्केट डिमांड में शामिल है या नहीं शामिल है, ये बताया होना चाहिए सवाल में। अगर मेरे लिखवाए हुए सवाल में मैंने ए की बजाय बी कहा होता तो फिर हम सॉल्व ऐसे करते कि पहले बी के 500 बनाते, फिर बी के यहां दोबारा 5000 ना बना देते, फिर 4500 बनाते। इस सवाल में ये जो अभी किया आपने, इसमें कैसे पता चल रहा है कि ये 800 की कमिटमेंट ऊपर वाले 1000 में शामिल है कि नहीं? अभी जो आपने ऑटम 16 किया है, बी की है ना कमिटमेंट 800 की, तो वो जो ऊपर डिमांड दी हुई है, हाँ यहां से पता चल रहा है कि ऊपर 1000 लोकल वाले बताए मैं और ये जो 800 हैं ये एक्सपोर्ट हैं, तो यकीनन उसके अलावा ही हैं। अगर ये लोकल और एक्सपोर्ट का फर्क ना होता तो फिर सवाल वाला बताता कि ये 800 पर 1000 में है कि नहीं है। तो इसलिए सवाल में ये पता चलना चाहिए कि कमिटमेंट ऊपर वाली डिमांड में है या नहीं, ठीक है? अच्छा, अब कमिटमेंट को डील कैसे करेंगे? पहले हम लोग बनाएंगे बी, पहले बनेगा बी, कितना 800, कितने किलो खा जाएगा ये? अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट नहीं लिखा, 80,000, कितने किलो ले जाएगा ये? 90, बाकी रह जाएंगे 7, बाकी फिर अब रैंकिंग के हिसाब से चलेंगे। रैंकिंग में नंबर 1 आएगा ए, ए की डिमांड 63,000, 7,400, फिर सी, पूरा नहीं बनेगा ना, बन जाएगा 2500, ये है जी। और ये ऐसा ही है, ये टॉपिक यही है। अच्छा, अब अगली क्लास में इसका एक सवाल और कराऊंगा। अच्छा बेशक ठीक है, आज एक्स्ट्रा क्लास है, लेकिन एक सवाल होमवर्क कर लिया, और जो सवाल होमवर्क दे रहा हूं उसमें और ध्यान से, ये जो गलती जिन लोगों ने यहां की है ना, और ध्यान से कि क्या चीज रुपीस पर केजी है, क्या केजी पर यूनिट है, क्या रुपीस पर यूनिट है, इसका एहतियात करते हुए। सवाल अच्छा है, ऑटम 11 क्वेश्चन नंबर 5, यानी सितंबर 2011 क्वेश्चन नंबर 5, इसमें मटेरियल की क्वांटिटी है स्क्वायर फिट, बस केजी की जगह स्क्वायर फिट है, लेकिन सवाल में अच्छी चीज ये है कि क्या चीज स्क्वायर फिट पर यूनिट है या यूनिट पर स्क्वायर फिट है, ये अच्छा है इसके अंदर सवाल। तो ये चीजें कॉस्ट में ना बड़ी जरूरी है कि आप इनको हैंडल कर लिया करें, कि केजी पर यूनिट है कि यूनिट पर केजी है, कि रुपीस पर आ रहा है कि आर्ट पर रुपीस है, इसका ख्याल रखा कीजिए। तो ऑटम 11 क्वेश्चन नंबर 5 ये होमवर्क कर लीजिए, और जिन्होंने आना हो तो शाम को है एक्स्ट्रा क्लास 4 बजे रूम 2 में। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।